बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल, शुक्र और आप तमाम दोस्तों की दुआओं के साथ आज की वीडियो को करते हैं जी आगाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान उमर और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो आज है जी शबे बरात। अल्लाह पाक इस मुकद्दस रात के सदके हम तमाम मुसलमानों पे अपना रहम फरमाए, करम फरमाए, फजल फरमाए। तो आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही मजेदार रेसिपी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। स्पेशल शबे बरात वाली रात को ये रेसिपी बनाई जाती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं ये वाली सूजी की मजेदार सी रेसिपी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 पाव देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो कोई भी बनास्पति आप घी ले लें, कुकिंग ऑयल में ये रेसिपी नहीं बनेगी। आपने देसी घी या घी इस्तेमाल करने से, और 3 मैंने इसमें छोटी इलायची डाल दी है। घी को आपने अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे 1 पाव सूजी है मेरे पास। ये नॉर्मल वाली सूजी है जिससे हम लोग हलवा वगैरह बनाते हैं। आपने इसकी पकाई करनी है, यहाँ पे अच्छी तरह भुनाई करनी है जब तक इसमें प्यारी सी सोंधी सोंधी खुशबू आना ना शुरू हो जाए। यहाँ पे हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको ऐसे चम्मच हलाते हुए पकाते हुए। बड़ी प्यारी सोंधी सोंधी खुशबू आनी शुरू होगी और देखें कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे आपकी मर्जी है, ज्यादा डार्क कलर कर ले, मुझे तो ऐसा कलर पसंद है। इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। इसको करते हैं जी साइड पे। तो ले जी कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह फिर से साफ कर लिया। 1 पाव चीनी ऐड करेंगे। 1 पाव हमारे पास सूजी थी, इसमें 1 पाव चीनी ऐड कर दिए और साथ में सिर्फ 1 छोटी प्याली पानी ऐड करेंगे। और चीनी को यहाँ पे आपने अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। इसको पकाना नहीं है, ये 1 से 2 मिनट लगेंगे। यहाँ पे चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई। यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट, मेरे पास कुछ कटे हुए बादाम है और साथ में मेवा, ये ऐड कर देंगे। आप अपने पसंद के भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। नारियल आपने इसमें ऐड नहीं करना, इस रेसिपी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम लोग सूजी, ध्यान से ऐड करिए क्योंकि चीनी गर्म है और घी भी इसमें है तो उछल सकता है, आपके हाथ जल सकते हैं। अब आपने यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाना है, पकाते जाना है। चम्मच का हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए, नीचे आपका फ्लेम लो टू मीडियम कर देना। यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए ऐसे चम्मच हिलाते हुए, मुझे इसको मैंने ऐसे ही पकाया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, ब्राय मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। हम कैसा काम करें आप देख सकते हैं कि कढ़ाई को बिल्कुल इसने छोड़ दिया है। यहाँ पे इसकी बुनाई हो गई कंप्लीट। इसको करते हैं साइड पे। यहाँ पे मेरे पास एक डिश है, ऐसे खुले मुंह वाली डिश होनी चाहिए आपके पास। इसके अंदर मैंने ऐसे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ब्रशिंग कर दिया है। इससे क्या होगा कि जब हम इसकी कतली को निकालेंगे तो वो जुड़ेंगे नहीं। और इसमें थोड़ा सा हम लोग ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए। ये है मेरे पास नारियल का बरादा, इसको पाउडर भी बोलते हैं नारियल का। ये मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो देखिए जी कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे डिश के अंदर मैंने अच्छी तरह इसको सेट कर लिया। ऊपर मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए, इनको थोड़ा दबाएंगे। अभी हलवा गर्म है ताकि ड्राई फ्रूट अंदर तक चले जाए। यहाँ पे अच्छे से सेट हो गई है तमाम चीजें। अब लोग मोस्टली गलती क्या करते हैं, इसको फ्रिज में ऐड कर देते हैं ठंडा करने के लिए। तो बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। ये यहाँ पे 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा बाय रूम टेम्परेचर पे ही। 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। 10 से 15 मिनट हो गए, अच्छी तरह सेट हो गया। इसकी कटाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी मैं कटाई करूंगा डायमंड शेप में। आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी इसको काट सकते हैं। एक पीस आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितनी आसानी के साथ ये हो गया, बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।